अस्सलाम वालेकुम। दिन के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं और एक अचानक क्विक कैंपिंग का प्लान बना हुआ है। फुली रेडी हो चुके हैं और सारा कुछ सेटअप, राइडिंग गियर वगैरह सब कुछ पहन लिया है। और मेरे फेलो राइडर्स हैं, कासिम भाई हैं, मुर्तजा है, फरजान है, और ये कुछ बाइक्स हैं, फुली लोडेड हैं। कैंपिंग का सारा इक्विपमेंट बाइक्स के ऊपर लोड कर दिया है और अभी हम F8 से अपनी राइड को स्टार्ट कर लें। आज हफ्ता था, मेरा सैटरडे ऑन होता है, ऑफिस से निकला हूँ। शहर को कर दिए मैंने गुड बाय और बिल्कुल मैंने एक ऑफ द रोड ट्रैक ले ली है। ऑफ रोड है, बीच में ट्रैक भी है और इस पे जा रहा हूँ। और यहाँ ऊपर जाके एक प्यारी सी कैंपिंग लोकेशन ढूंढूंगा मैं और वहाँ पे करूँगा आज की रात कैंपिंग, कुकिंग वगैरह। मैंने रोड पे इतनी व्लॉगिंग नहीं की, आपको इतना नहीं दिखाया क्योंकि आप लोगों ने हो जाना था बोर। मैंने कहा खूबसूरत से जब रास्ते पर मैं जाऊँगा ना तब मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और आपको व्यूज़ दिखाऊँगा। ये जगह चेक करें, इट्स सो ब्यूटीफुल। दिस इज द प्लेस आई लव। ये देखिए कहीं पे भी गंदा कैंप लगा सकता है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, मजीद अच्छा स्पॉट ढूंढ के वहां कैंप करूंगा, क्योंकि आज की जो कैंपिंग है वो आपको ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपके लिए भी, मेरे लिए भी तो है ही, लेकिन आपके लिए भी वो कैंपिंग जो है ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये मेरे फेलो राइडर्स, एक दो और तीसरा पीछे आ रहा है, दिस इज द थर्ड। फाइनली जनाब हम अपने कैंपिंग स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और ये वाला थोड़ा सा सस्पेंस रखा था वीडियो के स्टार्ट में, मैंने कहा नहीं बताना आज आपको। एक दो स्पॉट और भी देखे हुए थे लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, हमने आज एक शॉर्ट रास्ता लिया ताकि हम जल्दी से कैंपिंग स्पॉट पे पहुंच जाए। यहाँ पे पहुंचे तो आज हम कर रहे हैं जी फ्रेला रेस्ट हाउस के अंदर कैंपिंग। बाइक्स कुछ ऊपर लेके जानी है, कुछ यहाँ पे छोड़ेंगे, फिलहाल इनसे सामान उतारते हैं, उसके बाद सामान ऊपर शिफ्ट करते हैं, फिर बाइक्स को ऊपर लेके जाएंगे और फिर उसके बाद अपना जो कैंपिंग का स्टार्ट करेंगे। चलें कासिम भाई, चलें। वो बैग उठा ले, पानी ले आते हैं, चलें। ओ मुझे नहीं काटना, लाइट के ऊपर पतंगे आ रहे हैं, चलते हैं जी चश्मे से जाके लेते हैं पानी। मैं और कासिम इन द मीन टाइम जो है कैंप्स हमारे सेटअप हो रहे हैं, मुर्तजा और फरजान काम कर रहे हैं। ग्रुप कैंपिंग का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो है आप काम डिवाइड कर लेते हैं तो काम आपका जल्दी हो जाता है। पानी के लिए हमें काफ़ी नीचे जाना है। नहीं नहीं खुद ही खुलता जाएगा, ये है चश्मा जी। कासिम भाई हिम्मत कर रहे हैं नीचे जाने की, ख्याल आगे है गहरा, ज़्यादा आगे ना जाना। ऊपर से बैठे मैं आपको लाइट देता हूँ, आप यहाँ से इसमें पानी डाल लें, थोड़ा और नीचे उतरें, उतर सकेंगे? हाँ हाँ, कुछ हिम्मत करें क्योंकि ये पानी हमें बहुत काम आएगा। 6:30 बज चुके हैं और फुल अंधेरा हो चुका है और मैंने नाइट लैंप्स लगाया हुआ है। अगर अच्छा आ गया तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा, अच्छा ना भी आया तो दिखाऊँगा। और इस टाइम एक कैंप जो है हमारा वो सेटअप हो चुका है कम्प्लीटली, लाइट का भी सेटअप हो गया है, इस तरफ बाइक का भी सेटअप हो गया है। वहाँ पे मुर्तजा जो है बारबेक्यू का सीन स्टार्ट करने लगा है, उसका सेटअप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद सीन ये है कि मैं अपना कैंप लगाता हूँ और सारी चीज़ें जब सेटअप हो जाएंगी तो फिर लकड़ी वगैरह इकट्ठी करके तो हम यहाँ पर जो है बारबेक्यू करेंगे। उसकी जैकेट भी छोटी है, बच्चा ही आया था जी। मुर्तजा भाई सरप्राइज़ आपके लिए, कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा कुल्हाड़े से जो है ना, काफी सारे लोगों को याद आ गया होगा जिन्होंने पुराने व्लॉग्स देखे उनको याद आ गया होगा। कुल्हाड़ा भी रखा हुआ है साथ, फर्स्ट एड के लिए चीजें भी रखी हुई हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारा चल रहा है सिस्टम जी। फरजान भाई क्या कर रहे हैं आप? हम जरा अपने सामान को सिक्योर कर रहे हैं। अच्छा, कीप इट क्लोज ओके, ताकि किसी किस्म का कोई इंसेक्ट जो है अंदर ना जाने पाए। रात के 7:15 हो चुके हैं और मुर्तजा ने जो है बारबेक्यू बिल्कुल स्टार्ट कर दी, अभी आपको दिखाता हूँ। और कैंप वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया है। अंधेरे की वजह से जो है रात के टाइम में व्लॉग करने का सबसे बड़ा मसला होता है कि अंधेरा इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे चीज़ें उस तरह की सही से नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी एक नज़र आपको मैं दिखा दूँगा कि किस तरह हमने जो है अपना कैंपिंग का सेटअप किया हुआ है। और फ़िलहाल बारबेक्यू की तरफ जी मुर्तजा।
हाँ जी स्टार्ट हो गया काम। यार बड़ा मसालेदार लग रहा है सही ये वाला। बड़ा मज़े का मसाला है और ये अम्मी से लगवाया मैंने। गुड हो गया ये ऑल रेडी। और यहाँ पे जी बनाएंगे चाय, साथ में स्नैक्स चल रहे हैं, ये कुछ सामान, ये ऊपर दरख्त पे लाइट लगी हुई, ये बाइक आ गई, ये बड़े वाला कैंप है जिसमें ये मुर्तज़ा, फरजान और कासिम होंगे। ये मैंने अपना टेंट लगा दिया साइड पे, यहाँ पे वो रहा हमारा टाइगर और उसके पीछे बड़ा मज़े का इस्लामाबाद का व्यू जो कि अभी गोपुर नहीं दिखा रहा। गरम नहीं है। और इन द मीन टाइम जो है ये आ गई हमारी शिमला मिर्च और ये लकड़ी का हमने एक लकड़ी का पीस ढूंढा है और इस पर हमने इसको जो है कटिंग बोर्ड बनाया, इसके ऊपर इसको काटते हैं, इसको ग्रिल करेंगे। सर ये आप बच्चे आप हटाएंगे प्लीज, ये वो सोया सॉस वाली बोतल। हाँ गुड आइडिया पार्टी करने। हाँ सही बात है, इतने ज़्यादा फेंक रहे। Man versus wild. यार बड़े मजे का हो रहा है लकड़ी में। ये जो इसका गैप है ना ये काफी ठीक ठाक गैप है। दही जरा टेस्ट करना है कैसा है। दही तो बड़ा छोटी है। बोटियां छोटी होके लूज हो गई हैं। सिजलिंग हो गया बस, अब निकाल दे मेरे ख्याल से तो। निकाल लो। ये हो गया जी हमारी चटनी तैयार हो रही है। देखो ऑयल कितना है। हरी मिर्ची तो तेरी वजह से हो गई। ये चेक करें जी, सही नजर नहीं आ रहा। लोग इस चटनी को देख के ना आपकी वीडियो पे डिसलाइक छोड़ के जाएंगे। नहीं छोड़ेंगे, देखना देखना मैं छोड़ के जाऊंगा। नान गरम नान इस डब्बे पे रख दे, इस डब्बे पे रखें सर। नान के साथ खाने का भी कुछ दे, सिर्फ चटनी है। जनाब रात के 8:30 बज चुके हैं, खाना शाना साथ चल रहा है, बारबेक्यू। और हाँ अभी बिल्कुल 8:30 हुए हैं, काफी टाइम से जो हम खाने पीने में बिल्कुल लगे हुए हैं और अभी सिर्फ 8:30 हुए हैं और खाना पीना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि घर जाके सो जाते हैं। ये हमारा कुछ सेटअप है, सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। चाय अभी पीनी है यार, मेन चीज रहती है अभी। आप 2 बजेंगे आराम से। हाँ बजेगी कोई नहीं। ये चेक करें जी, ये हमारा आखिरी सीन है मुर्तजा। अच्छा इसके साथ एक और शिफ्ट भी हो, ये चेक करें कितना मजे का पका हुआ है। सुबह के लिए रखेंगे। अच्छा और ये मेरी फेवरेट चीज टमाटर। और मज़े की बात वो उसके पीछे जो है ना, एक मिनट, ओ पता नहीं चांद तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा जी, इस तरफ करते हैं थोड़ा। वो जो हल्की सी लाइट नज़र आ रही है वो बीच में चांद है, तो अभी ऊपर आ रहा है हराइजन पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फाइनली जनाब रात बहुत ज़बरदस्त गुजरी, जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी ठंड बिल्कुल भी नहीं थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब वार्म किस्म का जो है टेम्परेचर था कैंप के अंदर का। और स्लीपिंग बैग में काफ़ी मज़े की नींद आई है और उठ तो काफ़ी सुबह के चुके थे लेकिन बाहर चुके कोई काम नहीं था और इस जगह पे कोई ऐसा व्यू भी नहीं है ना, तो सनराइज़ यहाँ से कैप्चर हो सकता है, तो हमने कहा चलो यार सोते रहते हैं, इतना जल्दी उठ के क्या करना है। तो अभी तकरीबन 7 बज चुके हैं और अभी जो है हम जा रहे हैं सबसे पहले चश्मे पे। कल रात जहाँ से पानी लेने की कोशिश की थी, थोड़ा सा पानी हम वहाँ से निकाल सके थे, अंधेरा बहुत हो चुका था। अभी जाते हैं दोबारा चश्मे पे, वहाँ से लेके आते हैं पानी क्योंकि हमें बर्तन वगैरह वॉश करने हैं और उसके बाद जो है नाश्ते का सीन करते हैं। कितनी खामोशी है ना इस जगह पे। True. अच्छा मजे की बात, रात को किसी किस्म का कोई जानवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, खाने पीने की चीजें जैसे बिल्लियां या कोई कुत्ता शुत्ता कुछ भी नहीं था। ये रिपेयर्ड है। अच्छा रिपेयर्ड है। यप। yep.
यहाँ से किसने लेके जानी है बाइक्स? हिम्मत ही क्यों करेगा यहाँ से नीचे लेके जाने में। वो उसका पानी जो खुश्क हो गया। हाँ जो पॉन्ड था ना अच्छा खासा, उसमें पानी था एक महीना पहले तकरीबन, लेकिन अब तकरीबन ड्राई हो चुका है। बस पीछे करेंगे नीचे। कासिम उसी तरह जिस तरह रात को ना आप नीचे से बॉटल भर के दो ना ऊपर से ये इसमें भरते रहेंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था रात को तो पानी भरने में मसला आ रहा था। 6 लीटर हो गया। नहीं यार बाकी हाँ जी। ये तो नहीं कम हो गई, 1.5 लीटर ही है ना। ओके जनाब, ये था हमारा कैंपिंग सेटअप। आप देख सकते हैं फरीला रेस्ट हाउस के जो है लॉन के अंदर हमने कैंपिंग की हुई थी। ये हमारा टाइगर, रात को मैंने इस पर कपड़ा डाल दिया था कि नमी वगैरह शबनम के कतरे पड़ेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं, सब ड्राई। कैंप्स के ऊपर भी कोई पानी शानी नहीं आया। ये था मेरा कैंप और ये है जी फरजान का कैंप, नेशनल जियोग्राफिक टेंट। 3 लोग इसमें थे, काफ़ी मज़े का टेंट है ये भी। और अभी सामान वगैरह अंदर ही है। मेरे वाला कैंप तो आप काफ़ी दफ़ा व्लॉग्स में देख चुके हो, स्लीपिंग बैग हो गया, मैट हो गया, पिल्लो, सामान इस तरफ रख दिया, तो ये कम्प्लीटली जो है ना गुड। ये थी जनाब लाइट जो हमने लगाई थी। मुर्तज़ा क्या सीन है जी, लाइट का जरा दिखाएं। कस्टमाइज्ड है ये, इसके साथ देखिए हीट सिंकर प्लेट भी लगी हुई है। और कहाँ से बनवाई है जी ये? लिया मैंने कॉलेज रोड, नहीं है रावलपिंडी में जो कॉलेज रोड है वहाँ से कस्टमाइज बनवाई है। ये लाइट जो है वो 250 की लाइट थी। गुड। और साथ ये 12 फुट की तार है वो मैंने तार लगवाई है। कैंप्स वगैरह सब कुछ पैक कर लिया हमने, अभी बनाते हैं नाश्ता। और नाश्ते में हमारे पास जी हम ऑमलेट, अच्छा सा ऑमलेट बनाएंगे, साथ में हमारे पास एक किस्म का सैंडविच ही बनाएंगे। कुछ रात वाला हमारा बारबेक्यू था उसको भी चॉप सा करके उसके अंदर ऐड करेंगे। अंडा होगा और प्याज टमाटर हमारे पास है, ब्रेड भी हमारे पास है, और रात वाले हमारे पास नान भी काफ़ी सारे हैं। तो देखते हैं हम क्या बनाते हैं आज नाश्ते में। बस अंदर ना, यह है जी एग ट्रे, इसको फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया, ये मैंने एलीएक्सप्रेस से मंगवाई थी। ये देखिए इसके अंदर 6 अंडे आते हैं और ये बड़े मज़े से जो है ना, ये जो एक टूटा हुआ ये जब हमने लिया ही था तो तब टूट गया था, बाकी अंडे बिल्कुल जो है ना ठीक हैं। और ये कल आपने देखा कि किस तरह जो है ऑफ रोडिंग करके हम आए हैं और स्टिल अंडे सेफ हैं। ये कुछ इस तरह से जी नान रात वाले गर्म हो रहे हैं। चलें जी स्टार्ट करें, जो हमारे पास है वो तो खाएं ना। ये हमारा बन गया जी अंडा, इसी में से ना खाएं, इसी में से खाते हैं ना, इसी में से खाते हैं। या तो इसको प्लेट में डाल दो, उसमें से नवाला सही लगेगा। प्लेट में उल्टा दो इसको, प्लेट ऊपर रख के ऐसे टेढ़ा कर, प्लेट ऊपर रखो टेढ़ा कर दो, देख लेना टेढ़ा कर, स्पीड से कर लो। सब कुछ नीचे गिरा हुआ। नहीं नहीं बस ठीक है, घास से नवाला बना रहे हो हमारा। फरजान ये क्या बना रहे हो? हम लोग टर्किश शॉर्मा बना रहे हैं। नहीं रात वाला हमारा बारबेक्यू है।
तो ये हम लोगों ने एक थोड़ी सी एक्सपेरिमेंट की थी अपने रात के बारबेक्यू के साथ कि उसको श्रेड्स में करके तो थोड़ा सा पैन में फ्राई किया उसको वापस और उसके अंदर चिकन स्प्रेड और मेयोनीज डाल के थोड़ा सा उसको हमने सॉसी सा कर दिया ताकि बिल्कुल ड्राई भी ना रहे। एंड ये कासिम भाई ब्रेड को ज़रा सा पैन सीयर कर रहे हैं एंड इसके अंदर डाल के ऊपर स्प्रेड करके तो वी मेड आवर सैंडविचेस। ये आइडिया भी अच्छा है कि अगर आपकी फूड थोड़ी बच जाती है, अगर आपकी फूड बच जाए तो आप उसको सुबह इस तरह से रिकंज्यूम कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उसको वेस्ट करें और उल्टा ज़्यादा नुकसान हो, क्योंकि जानवर ये चीज़ें नहीं खाएंगे। बहुत मुश्किल है क्योंकि मसाले होते हैं ना, जानवर ये चीज़ें नहीं खाते। तो सो ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द सैंडविच वॉज 10 out of 10 क्योंकि एक तो बिल्कुल ड्राई भी नहीं था और ब्रेड भी स्मॉल साइज़ की थी तो बड़ा मज़े का था सैंडविच ओवरऑल एंड इट वॉज़ अ गुड पास 10 out of 10। वेल जनाब अभी हम बिल्कुल बाइक से हमने नीचे उतार लिए हैं जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है और अभी का प्लान यह है कि हम जो है वापसी का सफ़र यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, लंबा वाला ऑफ रोड ट्रैक लेके जाएंगे। लेकिन कहानी ये है कि वो जो ऑफ रोड का पैच है उसमें हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी करनी है, कहीं रुकेंगे अच्छे से स्पॉट्स पे, चाय शाय बनाएंगे, बैठ के गपशप करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कैंपिंग व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोग आप में से कैंपिंग के व्लॉग को देखने के लिए आए थे। वापसी का जो रास्ता है वो इससे नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं आपको दिखाऊँगा वरना वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे करते हैं जी इस वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करके वीडियो को जाया करें और एक छोटा सा कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है जी बहुत जल्द किसी अच्छे से एक और कैंपिंग व्लॉग के साथ, क्योंकि सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो विंटर में मेरा इस पर प्लान है कि मैं स्नो कैंपिंग भी करूंगा और बाकी डिफरेंट जगहों पे जाके भी मैं कैंपिंग करूंगा। तो विंटर के अंदर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग व्लॉग्स आप लोगों के लिए के आऊँगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो क्योंकि हर व्लॉग भी आने की जो अपडेट होती है, इसके अलावा पिक्चर्स और रील्स वगैरह सारा का सारा इंस्टाग्राम पर डेली बेसिस पर मैं पोस्ट करता हूँ। तो चलें जी वीडियो को लाइक करें और आपसे मुलाकात होती है इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।